गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट अकबर्स पीरियड मेजर पेंटर, के अकबर के समय में कौन कौन से उनके प्रमुख चित्रकार थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर ही वॉज ए पोर्ट्रेइंग अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट, अमॉन्ग देम हिंदू मुस्लिम्स वर द पेंटर्स ऑफ बोथ रिलीजन। अकबर के काल के समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्रकार उनके टाइम पीरियड में थे। सबसे पहले मीर सैयद अली के बारे में समझेंगे। आई केम टू इंडिया विद ईरान पेंटर्स हुमायूं, इट वॉज अ पेंटर ऑफ सेफ्रॉन स्टाइल ऑफ ईरान, हिज फादर नेम वॉज मंसूर। कि अकबर के समय ये ईरानी जो चित्रकार थे मीर सैयद अली हुमायूं के साथ भारत आए थे। ये ईरान की सेफ्रॉन शैली के एक चित्रकार थे। हिज फादर नेम वॉज मंसूर, उनके पिता का नाम मंसूर था। Who himself was a painter, जो वो स्वयं ही बहुत ही बड़े चित्रकार थे। मीर सैयद अली used to write his surname separation, मीर सैयद अली अपना नाम जो surname था वो separation के नाम से लिखते थे। His its pictures features beautiful and fascinating atmosphere, इनके चित्रों में सुंदर और मोहक वातावरण मिलता था। मतलब एटमोसफेयर के बारे में वो हमेशा एटमोसफियर की ब्यूटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते थे। पिक्चर ऑफ हजनामा मेड इन इट्स डायरेक्शन, इट वॉज मोर फाउंड ऑफ पोर्ट्रेइंग थीम्स रिलेटेड टू कॉस्मिक एंड डेली लाइफ। लैला मजनू चित्र मजनूज बर्थ एंड फादर पर्सन पोर्ट्रेट फॉर डोमिनियंट इन इट्स पेंटिंग्स, इनके लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित विषयों का चित्रण अधिक प्रिय रहता था। इनके चित्रों में जैसे लैला मजनू का जो चित्र है, मजनू का बर्थ है, पिता का व्यक्तित्व है, ये प्रमुख इनकी पेंटिंग्स हुआ करती थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ख्वाजा अब्दुस अहमद सिराजी, ही केम टू इंडिया विद हुमायूं, ये भी हुमायूं के समय में भारत में आए थे। इट वॉज फाउंड द ईरानी आर्ट सेंटर सिराज, ये ईरानी कला केंद्र सिराज का रहने वाला था। ड्यू टू द बेस्ट पेंटिंग इट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ श्री कलम, ये बहुत ही फेमस एक श्रेष्ठ चित्रकार थे, इसी के कारण इन्हें श्री कलम की उपाधि प्राप्त हुई थी। इट गेव आर्ट एजुकेशन टू हुमायूं एंड अकबर, इन्होंने हुमायूं और अकबर को कला शिक्षा प्रदान की थी। His discipline was also a great artist, इनके जो व्यवहार था वो चित्रकार थे वो बहुत ही प्रमुख थे। It was a chief of a Akbar's gallery, his discipline was also a great artist, it was a Akbar's favorite artist, ये अकबर की चित्र का प्रमुख अकबर की चित्रशाला में मतलब गैलरी के अंदर ये प्रमुख व्यक्ति थे। इसके शिष्य भी श्रेष्ठ कलाकार हुए थे, ये अकबर का प्रिय कलाकार था सब में से। नेक्स्ट पॉइंट इज दसवंत, दसवंत कौन थे देखते हैं। दसवंत वॉज द बेस्ट हिंदू पेंटर इन द अकबर गैलरी, के अकबर की जो गैलरी की गैलरी मीन्स चित्रशाला के अंदर दसवंत एक बहुत ही श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार थे। इनिशियली इट वॉज अ सर्वेंट इन द गैलरी, प्रारंभ में ये चित्र जो शैली गैलरी के अंदर ही एक सेवक था। ही लर्न पेंटिंग फ्रॉम अब्दुस अहमद से इन्होंने चित्रकारी सीखी थी। इट वॉज अ ही लर्न पेंटिंग फ्रॉम अब्दुस अहद, इट वॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन द रोजनामा, रोजनामा के अंदर बहुत ही सुंदर ये पिक्चर थी। इट वॉज मार्क्ड स्ट्रेंज शेप, ही ऑल्सो रिकॉर्डेड माइथोलॉजिकल सेंस बेस्ड ऑन अ डेली लाइफ, ही ऑल्सो रिकॉर्डेड माइथोलॉजिकल सेंस बेस्ड ऑन अ डेली लाइफ। द सेंस ऑफ इंडियननेस इन मुगल आर्ट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज आर्ट, इन्होंने चित्र आकृतियों को भी अंकित किया था, उनमें जिनके जो दैनिक जीवन पर आधारित दृश्यों को इन्होंने अंकित किया था। मुगल काल में भारतीयों का भाव इस कलाकार की देन है कि इंडियन जो आर्टिस्ट थे वो दसवंत ही आए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज बसावन, बसावन कौन है देखते हैं। दिस वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हिंदू पेंटर ऑफ द अकबर कोर्ट, की अकबर की कोर्ट के अंदर ये भी एक बसावंत भी एक हिंदू चित्रकार थे। इट मेड पेंट पिक्चर्स अराउंड 100, इन्होंने बहुत सारी लगभग 100 के करीब इन्होंने पिक्चर्स बनाई थी। अब्दुल जफर
has praised it very much. Abdul Zafar ने इनकी बहुत ही प्रशंसा की थी. The picture of Basavan are closer to the reality. His artist was excellent in making backgrounds, marking the characteristics of the headlines, preparing a mixture of colors and so on. This artist performed prevails in the Darbar Nama, Akbar Namas, etc. Urban Namas. ये कलाकार जो थे वे मतलब कि मेन इन्होंने क्या बोला है कि रियलिटी के ऊपर जैसे कि जो सामने जो प्रेजेंटेशन है उन्हीं के ऊपर रियलिटी को शो करते थे. हिज आर्टिस्ट वॉज एक्सीलेंट इन द मेकिंग बैकग्राउंड की बैकग्राउंड की पृष्ठभूमियों को कैसे प्रेजेंटेशन करना है, मुख्य आकृति कैसे विशिष्टताओं में अंकन करने में और कलर्स का मिक्सचर करने में तैयार करने में ये एक बहुत ही विद्यमान थे. इनका जो दरबार नामा अकबर नामा आदि इनके ग्रंथ है उन्होंने उसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है.